हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। खैरियत से नहीं है कोई मसला है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो में बने रहे हैं। आप अगर अपसेट हैं तो आपका भाई आपका मूड दो मिनट में ठीक कर देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्गर बॉयज एंड गर्ल्स की, तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या। बर्गर लोंडे बहुत अलग होते हैं साहब, इनकी जिंदगी बहुत अलग होती है। इनका बस चले तो ये सिगरेट के फिल्टर के ऊपर भी टिश्यू पेपर लगा कर पिए। लिवाइस की महंगी पैंट घुटने के ऊपर से फाड़ के इतना नीचे करके पहनते हैं कि आपको इनके पिछवाड़े की कड़ी पहाड़ी नजर आ जाए। भाई ये मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, बहनों के साथ पले हुए बच्चे होते हैं। आईफोन में पिंक पाउच लगा के बहनों से मुकाबला करने वाले बच्चे होते हैं। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे होते हैं, अपने ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर बैठने के बावजूद भी उनसे बात ना करने वाले बच्चे। केएफसी में बर्गर खाने से लेकर बाथरूम जाने तक की स्टोरियां लगाते हैं। कहां से आते हैं ये? इनकी छोटी छोटी गंदी बीमारियों के नाम भी इतने खूबसूरत से होते हैं जैसे पायल्स और माइग्रेन वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, इनके चेहरे पे एक दाना आ जाए तो पूरी रात नहीं सोते हैं। छोटे दिल के बच्चे हैं ये, बहुत इमोशनल होते हैं। ओह माय गॉड, इनकी बात करने का अंदाज ही बहुत अलग होता है। एक बर्गर बच्चे ने मेरे को बताया कि खीरा खाने से चेहरे पे ग्लो आता है। हमने भी खीरे के 4-5 स्लाइस करे, उसमें चाट मसाला नमक और काली मिर्च डाल के खा लिया। ठीक है समरिया। दूसरे दिन पूछे, हमने बोला यार गिलो नहीं आ रहा। उसने बोला ऐसे नहीं होता है, खीरे के स्लाइस बनाओ, उसको पानी में डालो और उसे पूरे 2 दिन रखने के बाद उसका पानी पियो। मतलब इतनी रॉकेट साइंस है, इतनी रॉकेट साइंस हम ग्लो करने में लगाएं तो सारी जिंदगी में हम करेंगे क्या? हमारे पास तो यहाँ जाने का भी ज्यादा टाइम नहीं होता है। क्या बात, ये बात है। कभी भी आपने बर्गर बच्ची नहीं पटानी। ये जो शीशा बार में बैठ के 3500 वाला शीशा अकेले बैठ के पी रही होती, ये बच्ची तो कभी भी नहीं पटानी। समझ गया। ये आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगी आप परेशान हो जाएंगे। ये आपको रात में मैसेज करेंगी GNTCSD, अब हम परेशान, पूरी रात हैरान परेशान, पागलों की तरह इधर उधर गूगल सर्च कर रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं कि ये क्या चीज है GNTCSD। दूसरे दिन मैंने मुरव्वत में पूछ ही लिया कि ये इसका मतलब क्या है। उसने बोला बेबी गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम? अबे हमें कहाँ स्वीट ड्रीम आते हैं। कभी हमारा कोई गला दबा रहा होता है, कभी हम पतंग उड़ाते हुए छत से गिर जाते हैं, कभी हमारे को कोई पुलिस वाला टुल्ला पकड़ लेता है। हमें तो ऐसे ही ख्वाब आते हैं, कभी हमारी बाइक चोरी हो जाती है, ऐसे ऐसे गंदे गंदे ख्वाब आते हैं। आप तो अमीरों को आते हैं, बुर्ज खलीफा पे ऊपर खड़े होकर नाश्ता कर रहे हैं, जहाज में लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए और बुगाडी पे जो है हम चाय पीने जा रहे हैं, तो ये तो अमीरों को ख्वाब आते हैं। हम गरीबों के तो ख्वाब ही खतरनाक होते हैं। अब रात में मुझे मैसेज आया, जान मुझे नीनो आ रही है। अब मैं परेशान, ये नीनो क्या चीज होती है, नीनो क्या चीज होती है, इधर ढूंढ रहा हूँ उधर ढूंढ रहा हूँ। मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने बोला भाई नीनो आ रही है। उसने बोला भाई नीनो नहीं आता, इनो आता है जिससे आपके पेट का हाजमा सही हो जाता है। तो खैर मेरा पेट थोड़ा खराब था तो मैंने बोला ले ही लेता हूँ। तो ये ऐसी ऐसी खतरनाक बातें आप। मैंने बर्गर बच्ची से गलती से पूछ लिया जान आप कहाँ हो, तो टाइप करके दे रही I am here ग्रेनो। अबे ये ग्रेनो क्या होता है? मैं फिर परेशान, गूगल बाबा के पास गया, इधर सर्च किया उधर सर्च किया, तो गूगल वाले भी बोल रहे हैं भाई दुनिया और दुनिया से बाहर तो ऐसा कोई है नहीं, हो सकता है कि चांद के बाद कोई 25वां सैयारा हो जिसका नाम ग्रेनो हो। तो हम फिर वही परेशान। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनसे थोड़ा दूर रहने का, बर्गर बच्चे बच्चियों से दूर रहने का। तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप मेरे से रिजू करें, और मेरे से भी मसला हल नहीं होगा तो हम आपको लेके जाएंगे ढोंगी बाबा के पास। अगर उनसे भी मसला हल नहीं होगा तो फिर हम बंगाली बाबा के पास लेके जाएंगे। अगर उनसे भी मसला हल नहीं हुआ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। तो आज की मजदूरी को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर बर्गर्स को कोई मेरी बात बुरी लग गई है तो दिल पे नहीं लें यार, कमेंट करके मुझे बताएं आपको कौन सी बात बुरी लगी, और बुरी लगी तो आप 2 रोटी ज्यादा खा लिएगा। तो मिलते हैं अपने पन के साथ, कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे भी जाने बर्गर लेने, मेरा मतलब अंडे वाला। खत्म। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे ना।